जनाधिकार पार्टी लोध दरभंगा जिला इकाई के तत्वाधान में कुशेश्वर स्थान में जनाधिकार पार्टी द्वारा घोषित राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष योगी चौपाल एवं युवा प्रखंड अध्यक्ष आदित्य कुमार सिंह के संयुक्त नेतृत्व में सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी का पुतला दहन किया गया। वरिष्ठ जाप नेता प्रोफेसर गंगा प्रसाद यादव ने कहा कि जब आम आदमी को शराब बेचने या पीने पर प्रशासन जेल भेजती है तो फिर सारण सांसद को जेल क्यों नहीं भेजा जाता है, जब मानिए ही सरकारी एम्बुलेंस से कभी चरस हफीम और गांजा तो कभी शराब की तस्करी करता है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। आम आदमी पर ही कानून का शिकंजा क्यों कसा जाता है? ऐसे मानिए के कुकृत से बिहार राष्ट्रीय स्तर पर बार बार शर्मसार हो रहा है। मैं लोकसभा स्पीकर से मांग करता हूँ कि ऐसे सांसद की सदस्यता अति शीघ्र रद्द की जाए और जेल भेजा जाए। युवा जिला अध्यक्ष विशंबर यादव ने कहा कि सरकार एम्बुलेंस से शराब तस्करी मामले में मुखिया को आगे कर सांसद को बचाना चाहती है, जबकि शराब तस्करी का मुख्य गुनहगार रूडी खुद है। प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव ने कहा कि शराब तस्करी मामले में सारण के सांसद, जिलाधिकारी व सिविल सर्जन तीनों दोषी हैं। मौके पर दिलीप कुमार, मुखिया देवेंद्र झा, बबलू पोद्दार, जीवज यादव, सुभाष यादव, जीवज हजारी, डॉक्टर हीरा सैनी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। धर्मो की शरम करो, शरम करो, शरम करो। राजीव प्रताप रेड्डी को एमपी से बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बिहार का एम्बुलेंस चोर, बिहार का दारू माफिया, बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी का आज पुतला दहन का कार्य किए हैं कुशेश्वर स्थान 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 में। आप अब देख रहे हैं कि जब कोरोना काल था हजारों लोग बिहार में एम्बुलेंस के नहीं रहने के कारण मारा जाता था। आज देख रहे हैं उसी एम्बुलेंस से जब बिहार में शराबबंदी है और ये राजीव प्रताप रूढ़ी शराब तस्करी करने का काम करते हैं। बीजेपी का यही चरित्र है और बीजेपी के जितने मंत्री विधायक हैं सब आज बिहार में शराब तस्करी करने का काम कर रहे हैं और बिहार जो निर्दोष लोग हैं उसे आज जेल भेजने का काम कर रहे हैं। दारू में जितने भी लोग जेल में हैं आज वे लोग निर्दोष हैं, लेकिन असली जो चोर है ये राजीव प्रताप रूडी है, बीजेपी का मंत्री विधायक है, जो एम्बुलेंस में जिस एम्बुलेंस में मरीज को हॉस्पिटल भेजा जाता है उस एम्बुलेंस मरीज के आड़ में दारू तस्करी करने का। राजीव प्रताप रूडी जी का पुतला दहन किए हैं आज हम लोग, और कोरोना काल में जो आप लोग देख रहे थे कि हमारे जो परसेंट थे वो एम्बुलेंस के से मर रहे थे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी ने एम्बुलेंस को अपने बिल्डिंग के ऊपर छुपा रखे थे, बिल्डिंग के पास, और इसी कारण हमारे आदरणीय पप्पू जी ने जब उनका उजागर किए तो उन्हें जेल हो गया। और कल आज से करीब 3-4 रोज पहले की घटना है कि उसी एम्बुलेंस में शराब की तस्करी किया जा रहा है। भाजपा के सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी का पुतला दहन किए हैं। आपके जानकारी में होगा कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी आज पिछले 4 महीने से जेल में हैं, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी जो एम्बुलेंस छुपा करके रखे हुए थे उसका उन्होंने उजागर किया था। ये राजीव प्रताप रूडी उस सरकारी एम्बुलेंस से चरस का धंधा करते थे, बालू का तस्करी होता था, न जाने कई ऐसे कुकर्म उस एम्बुलेंस से किया करते थे। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।